हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। और कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। विंड्स मीन्स होता है हवा, पवन। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। और साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात। चक्रवात, तूफान और विंड्स मीन्स पवन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओडिशा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। देखिए, उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्रवात आया। ठीक है, तट पर चक्रवात आया। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल्स होमलेस। साइक्लोन ने लगभग 45,000 घरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। लगभग 7 लाख लोग जो थे बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर हिट्स उड़ीसा अगेन। उड़ीसा में इसी साल 29 अक्टूबर को दूसरा साइक्लोन आया, जिसकी विंड स्पीड जो थी यहाँ पे 260 किलोमीटर पर आवर थी। इट वॉज एकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 m हाई। इस बार जो चक्रवात आया अपने साथ पानी की लंबी लंबी धाराएं लेके आया। लगभग 9 मीटर लंबी पानी की धाराएं या समुद्र की लहरें भी थी। इस बार लगभग 9 मीटर लंबी समुद्र की लहरें भी आई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉय। करोड़ों रुपए की संपत्ति तहस नहस हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर। साइक्लोन ने कृषि, ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि विद्युत, सभी को प्रभावित किया। इस साइक्लोन ने कृषि, परिवहन, संचार और इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रभावित किया। व्हाट आर साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट आर साइक्लोन एंड हाउ आर दे फॉर्म, और ये कैसे बनते हैं, और व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतने विनाशकारी क्यों हैं। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता ही है कि भाई व्हाट आर साइक्लोन, कि ये साइक्लोन क्या है और कैसे बनते हैं और ये इतने ज़्यादा विनाशकारी क्यों हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर ऑफ सम दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने की। सो वी बिगन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। तो हम स्टार्ट करते हैं एयर के साथ में कुछ एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी विल क्लेरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन। इन एक्टिविटी से हमें कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ जो सामान्य मूलभूत विशेषताएँ हैं साइक्लोन की, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बिफोर वी बिगन, स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर डैट, हमें पता होना चाहिए द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। यानी कि मूविंग एयर, गतिशील हवा या गतिशील वायु को हम विंड कहते हैं, यानी कि पवन कहते हैं। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं या गतिशील हवा को हम विंड कहते हैं या पवन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर देखते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी में आपको शो करना है एयर एग्जर्ट प्रेशर, कि वायु जो होती है ना, वायु दाब डालती है, प्रेशर डालती है, ये हमको शो करना है एक्टिविटी के द्वारा। तो लेते हैं एक्टिविटी 8.1, समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हीटिंग, जब कभी भी किसी एक्टिविटी में आपको कुछ गर्म करना पड़ता है तो बी वेरी केयरफुल, तो हमें उस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। इट इज़ एडवाइज डैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द प्रेजेंसी ऑफ एन एल्डरली पर्सन, तो ये आपको सलाह दी जाती है कि इस तरह की जो एक्टिविटी, जब भी आप इस तरह की एक्टिविटी करें तो अपने घर के किसी बड़े, फैमिली के किसी बड़े के सामने करें, और कैरी आउट दीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंसी ऑफ योर टीचर, ये अपने टीचर की उपस्थिति में ही ये एक्टिविटीज़ को आप करें। जहाँ पे भी आपको हीट करने की या कुछ भी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय या तो आप अपनी फैमिली के किसी बड़े मेंबर के साथ में इस काम को करें या अपने शिक्षक की उपस्थिति में इस काम को करें, अकेले कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको वाटर को बॉयल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेक ए टिन कैन विद ए लिड, तो आपको टिन की एक कैन लेनी है, एक डब्बा लेना है जिसके ऊपर ढक्कन लग सके। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, आपको लगभग आधा उसमें पानी भर लेना है। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, और जब तक पानी उबलने ना लगे तब तक आपको टिन की जो कैन है उसको गर्म करना है मोमबत्ती के नीचे। ठीक है, मोमबत्ती की फ्लेम पर आपको टिन की जो कैन है उसको गर्म करना है जब तक कि पानी उबलने ना लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स पानी को उबलने दें। ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दें, और इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और बुझाने के तुरंत बाद ही कैन के ढक्कन को अच्छे से कस दें, कैन के ऊपर कैन के ढक्कन को अच्छे से कस दें। वी केयरफुली इन हैंडलिंग द हॉट कैन, जब आप गर्म कैन के साथ में ढक्कन को कस रहे होंगे तो आपको केयरफुल रहना है। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटल वेसल्स और ए वॉश बेसिन, तो आपको क्या काम करना है, पुट द कैन केयरफुली कैन को उठाकर आपको एक मेटल की वेसल पे रख देना है। ठीक है, मेटल की वेसल पे रख दीजिए या वॉश बेसिन में रख दीजिए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और अब इस कैन के ऊपर आप ताज़ा पानी को उडेलिए या डालिए। वाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, तो क्या कैन के आकार में कोई परिवर्तन आता है, क्या कैन के आकार में कोई परिवर्तन आता है, कैन यू गैस। देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये कैन थी, यहाँ आपने फ्रेश वाटर इसके ऊपर डाल दिया है, तो देखिए कैन की जो शेप है किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी कि गड़बड़ा गई है। तो कैन यू गैस व्हाई द शेप ऑफ कैन गेट डिस्टॉर्टेड, कि भाई कैन की जो शेप है वो क्यों परिवर्तित हो गई, क्यों विरूपित हो गई, तो आपको कोई अंदाजा है कि कैन की शेप क्यों परिवर्तित हो गई, क्यों विरूपित हो गई। तो इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, यदि आपके पास टिन की कैन नहीं है, ठीक है, अगर आपको टिन की कैन नहीं प्राप्त होती है, नहीं मिली मिल पाए किसी वजह से टिन की कैन नहीं मिल पा रही है, तो टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, तो आप प्लास्टिक की एक बोतल ले सकते हैं और फिल इट विद हॉट वाटर, और इसमें आप गर्म पानी भर लीजिए। एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, ठीक है, एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप टाइटली, बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए, खाली करके तत्काल कस के उसको बंद कर दीजिए। अब प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, अब बोतल को आपको रनिंग वाटर में रख देना है, यानी कि बहते हुए जल नल के नीचे रख दीजिए, जो नल में पानी चलता रहे ना उस नल के नीचे आप बोतल को रख दीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर
एक्सपीरियंस। अब आप अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए, जैसे व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब आप पतंग उड़ाते हैं, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो आपके पीछे से आ रही हवा क्या आपकी मदद करती है। तो पतंग उड़ाने वाला किस्सा तो याद आ ही रहा होगा, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पीछे से जो हवा आ रही होती है तो वो पतंग उड़ाने में आपकी हेल्प करती है, नहीं करती? करती है ना। इफ यू आर इन ए बोट, यदि आप किसी नाव में बैठे हैं, इज इट इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो यदि आप किसी नाव में बैठे हैं तो क्या इससे चलाना आसान होगा यदि हवा उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो, जिस दिशा में आप नाव को चला रहे हैं उसकी विपरीत दिशा से हवा आ रही हो, तो क्या नाव को चलाना आसान होगा? आपके पीछे से हवा आ रही है तो क्या आप नाव को आसानी से चला पाएंगे? बैठे हैं नाव में कभी? नहीं बैठे होंगे। हाँ चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डू यू फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये तो ज़रूर आपने किया होगा, साइकिल तो आप सभी चलाते ही हैं, तो अगर विपरीत दिशा में आपको साइकिल चलानी पड़ जाए तो कितनी परेशानी होती है याद आ रहा होगा। यदि आप साइकिल चला रहे हैं और आपके सामने से ही हवा आ रही है तो आपको साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर पीछे से हवा आ रही है तो आप आसानी से साइकिल चलाते हुए चले जाते हैं। यू नो डैट वी हैव टू फिल एयर इन टू द बाइसिकल ट्यूब। आप जानते हैं कि हमें जो साइकिल का ट्यूब होता है उसके अंदर एयर को भरना होता है ताकि जो ट्यूब है वो टाइट रहे, है ना। आल्सो यू नो डैट द बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर मे ब्रस्ट। और यदि आपने उसमें ज़्यादा हवा भर दी है तो साइकिल का ट्यूब फट भी जाता है, ये भी आपको पता होगा। वाट इज़ दिस एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, वाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर एयर क्या करती है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन बाइसिकल ट्यूब कीप इट इन शेप। अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए कैसे हवा साइकिल के ट्यूब को अपने आकार को बनाए रखने में हेल्प करती है। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस सो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। ये सभी जो एक्सपीरियंस हमने किया है, क्रियाकलाप से जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, उन सब से हमें पता चलता है कि जो हवा है, जो वायु है, वो दाब डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, वेनस, फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, समझ में आया। इट इज़ ड्यू टू, इसी के कारण, मतलब प्रेशर के कारण ही जो पेड़ों पे पत्तियां हैं, बैनर लगे हुए हैं, झंडा है, ये हमारा हवा में लहराता है। जब हवा चलती है तो देखते होंगे ना आप, लहराती रहती हैं, पत्तियां हिलती रहती हैं, ठीक है, बैनर हिलते रहते हैं। ये किसकी वजह से? जब हवा की वजह से तो हिलते हैं, यानी कि एयर प्रेशर डालती है जिसकी वजह से ये हिलते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विच शो डैट द एयर हैज प्रेशर। यू कैन लिस्ट, आप और भी ऐसे एक्सपीरियंस की लिस्ट बना सकते हैं या जिससे आप दिखा सकें कि एयर जो होती है वो दाब डालती है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन, चलिए अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, व्हाई द कैन और टिन बोतल गेट डिस्टॉर्टेड, कि क्यों कैन और प्लास्टिक की जो बोतल है वो विरूपित हो गई, यानी उसका आकार क्यों परिवर्तित होगा। देखिए, As water is poured over the can, जैसे ही आपने कैन के ऊपर वाटर को पोर किया, देख रहे हैं यहाँ, कैन के ऊपर वाटर को पोर किया, ठीक है, Some steam in the can condenses into water। अब इस कैन के अंदर जो स्टीम उठ रही थी वो वाटर में कंडेंस हो गई, पानी ऊपर से आपने डाला तो वाटर के अंदर वो कंडेंस हो गई।
और जब वाटर के अंदर कंडेंस हो गई तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द टिन, तो इससे क्या हुआ, टिन के अंदर एयर की मात्रा कम हो गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, तो कैन के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से जो प्रेशर पड़ने वाला था, बाहर से वायु का जो दाब है, वायु से बाहर का दाब ज़्यादा हो गया और अंदर कैन का जो दाब है वो कम हो गया, जिसकी वजह से एज द रिजल्ट कैन गेट कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से जो कैन है वो कंप्रेस्ड हो गई, पिचक गई। समझ में आया? देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ स्टीम थी, अब ये स्टीम थी, अब ये कन्वर्ट हो गई वाटर ड्रॉपलेट में क्योंकि कंडेंस हो गया, तो इसके अंदर की जो एयर है वो तो कम हो गई, और बाहर की एयर वैसी की वैसी हो गई, तो बाहर की एयर का जो दाब है वो ज़्यादा होगा अंदर की एयर के दाब से, जिसकी वजह से कैन जो होगी वो कंप्रेस्ड हो गई। ठीक है, समझ में आया? दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म डैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, ये एक्टिविटी दोबारा पुष्टि करती है कि वायु दाब डालती है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए जी फिर देखें, अब हम इसकी सेकंड फीचर देखते हैं विंड का, कि सेकंड फीचर क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, कि हाई स्पीड विंड आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। समझे ना, हाई स्पीड विंड्स, पवन का जो वेग है बढ़ाने पर हवा का प्रेशर ज़्यादा, यानी कि हवा की स्पीड को बढ़ाने पर जो एयर प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, घट जाता है। इसको देखते हैं हम एक्टिविटी से। ठीक, यानी कि पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घट जाता है। एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए जी एक्टिविटी 8.2, क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए वॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। देखिए यहाँ पे आपको जो कागज लेना है ना, एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसको मोड़ तोड़ कर एक छोटा सा बॉल के आकार का बना लीजिए, और उसको उसका जो साइज है वो इतना छोटा हो, जैसे कि ये बोतल दी है ना, तो इस बोतल के मुँह से छोटा साइज का इसको बना लीजिए। ठीक है, समझ में आया? यानी कि बोतल का देखो साइज, ये इतना बड़ा साइज है इसका मुँह, तो आपको छोटी सी बॉल बना लेनी कागज़ की। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर वॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड, एम्प्टी बोतल को पकड़िए इसकी साइड से, मतलब जिधर की तरफ उसका माउथ है उस साइड से आप इसको पकड़िए। ठीक, और जो पेपर की बॉल है उसको इसके मुंह पे रखिए। एंड ट्राई टू ब्लो ऑन द वॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। अब फूंक मार कर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसे कि ये कर रहे हैं, फूंक मार कर ये जो कागज़ की गेंद आपने बनाई है इसको बोतल के अंदर डालने का प्रयास कीजिए। ट्राई द एक्टिविटी विद बोतल ऑफ डिफरेंट साइज, और इस तरह की एक्टिविटी आप अलग अलग आकार की बोतलों के साथ में ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए अलग अलग बोतल के साथ में करने की, और चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स, और अपने मित्रों को भी चैलेंज कीजिए भाई वो भी करें, अपने मित्रों को भी चैलेंज कीजिए कि पेपर की बॉल को बोतल के अंदर घुसा के दिखाइए भाई। पहेली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहेली और बूजो चाहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया जाए। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल, कागज की गेंद को फूंक मार कर बोतल में डालना कठिन क्यों है। पहेली और बूजो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पर विचार करना चाहिए कि बोतल के अंदर कागज़ की बॉल को फूंक मार के डालना इतना कठिन क्यों है। ठीक है, सबके जवाब मिलेंगे। फिर एक्टिविटी 8.3 को देखते हैं, ब्लो द बलून्स, गुब्बारों को फुलाना। टेक टू बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, लगभग समान आकार के आमाप के दो गुब्बारे लीजिए।
इक्वल साइज के लगभग गुब्बारे ले लीजिए। पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून, गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग, दोनों बैलून को बुलाकर प्रत्येक को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। ठीक, हैंग द बैलून्स 8 to 10 cm अपार्ट ऑन द साइकिल स्पोक ऑन ए स्टिक, साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 to 10 cm की दूरी पे लटका दीजिए। ठीक है, ब्लो द स्पेस बिटवीन द बैलून्स, दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। व्हाट हैपन्स, आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं। व्हाट हैपन्स, आप क्या देखते हैं, क्या हुआ। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ बैलून ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन्स, गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा, आ रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ एक्टिविटी में आपको करना क्या है। खाली बोतल लेनी है, खाली बोतल में लेके आपको कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसको मोड़ कर छोटी सी बॉल बना लेनी है, उस बॉल को रखना है खाली बोतल के माउथ पर और फूंक मार कर उस बॉल को आपको बोतल के अंदर घुसाना है। और इसी तरह का प्रयास आप डिफरेंट साइज की बोतल के साथ कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कीजिए, चलो भाई इसको फूंक मार के अंदर घुसा के दिखाइए। तो हम पाते हैं कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और बूझो और पहेली इस डिफ़िकल्टी का ही आंसर पाना चाहते हैं कि ऐसा डिफ़िकल्ट क्यों होता है। साथ ही हम बात करें एक्टिविटी 8.3 की, जहाँ पे हमें बैलून्स फुलाने हैं, बैलून्स के अंदर थोड़ा सा पानी भर लेना है और फिर इसको फुलाना है। फुलाने के बाद में लगभग आपको क्या लेना है कि आपको एक या तो आप वायर साइकिल का जो स्पोक आते हैं ना तिलियाँ, या तो साइकिल के तिली पर ले लीजिए, या फिर आप क्या ले सकते हैं एक छड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लगभग आपको 8 to 10 cm की दूरी पर इन दोनों गुब्बारों को लटका दीजिए और फिर उसके बीच में फूंक मारने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या हुआ, वो एक्सपीरियंस आपको नोट करना होगा, तभी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी ये करने की कोशिश करना। फिर इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Keep watching the video. Thank you. Thank you, bachcho.